हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, इसका इंटीग्रेट कहा जा रहा करने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, ये 0 से पाई बाय 2 कर दीजिए, पाई बाय 4। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेट करने के लिए तोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 4 तक। अब हम लोग यहां पे अपर लिमिट रख लेंगे टेन पाई बाई 4 माइनस में पाई बाई 4 माइनस। अब लोअर लिमिट रख लीजिए तो टेन 0 माइनस में 0, टेन 45 का वैल्यू 1 और पाई बाई 4 रह जाएगा, और ए रह गया आपका टेन 0 का मान 0 और यहाँ पर ए भी 0, तो 0 माइनस 0 तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4, तो ए आ जाएगा आंसर। ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, थ्री थ्री क्या करा ना, सेकेंड ए करा ना, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। अब इसका नो बांट दीजिए 3x स्क्वायर dx प्लस में e पर पावर x dx। अब 3 कांस्टेंट रहने देंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और e पर पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस में 3, 3 3 कट जाएगा, आ जाएगा x क्यूब e पर पावर x प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। तो ये ना हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या ना, एक त्रिभुज दिया हुआ क्या ना ए बी सी, और इसके शीर्ष क्या गिवन है 1 1 1, और बी गिवन है 1 2 3 और सी गिवन है 2 3 1, और इसका कहा जा रहा है क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या ना डिटरमिनेंट मीटर लेंगे 1/2 और 1 1 1 एक्स वन, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट मीटर ले लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या 1 1 1 और 1 2 3 और 2 3 1, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ना 1/2, और इसका डिटरमिनेंट तोड़ लीजिए, तो डिटरमिनेंट तो सभी जानते ही हैं, 1 लिख कर देंगे यहाँ पे 2 तिंतिया 9 और माइनस में 1, फिर इसको तोड़ लेंगे 1 और माइनस में 3 दूना 6, फिर प्लस में 1 और ए आ जाएगा 3 और माइनस में 4, और इसको अब हल कर लीजिए। तो ए कह लेंगे 1/2 और इसमें कट गया तो माइनस 7 7 गुना 1 तो माइनस में 7, और ए आ जाएगा माइनस 5 गुना 1 तो प्लस में 5 माइनस 1, ए आ जाएगा माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा घट जाएगा तो माइनस 8 1/2 और ए आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 3, तो माइनस 3 मोड कारण नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव में नहीं होता है, इस कारण से ये तो मोड में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या ना इसको मोड लगा लेंगे नेगेटिव का मोड, नेगेटिव कारण क्या हो जाएगा पॉजिटिव मोड कारण, 3/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3/2 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे, कहा जा रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना बहुत सिंपल है, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले दोनों क्या करेंगे क्रॉस ज्ञात करेंगे। तो क्रॉस ज्ञात करने के लिए 2i प्लस में 3j प्लस में 4k को रहने दीजिए, और यहाँ पे डॉट, तो इसका ना क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट मेथड लेंगे ij k, और यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड सेल कह लीजिए -7 और 8, ए 5 माइनस 4 और 12, और इस टर्म को रहने देंगे 2i + 3j प्लस में 4k कैप, और अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ पर रह जाएगा i कैप और इसको गुना करेंगे, अब 84 यहाँ पे हो जाएगा 84 और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे -8 4 32, अब माइनस में जे कैप और इसको गुना कर लेंगे 12 3 36 और 8 5 40 और प्लस में के कैप,
और गुना कर ले, 4 3 12 माइनस में 12 और 7 5 35। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस में 4k कैप। और इसको हल कर लेंगे यहाँ पे घट जाएगा तो मिल जाएगा 2 और माइनस में 5 i कैप और माइनस में 5 i कैप। यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो माइनस में 4 माइनस माइनस 4j कैप और यहाँ अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 2 k कैप और ये आ गया प्लस में। और अब इस दोनों को क्या कर डॉट कह लेंगे, तो इसको डॉट करेंगे यहाँ पे 2 और 5। अब इसको डॉट कह लीजिए आई वाले को वाई के साथ, तो आई वाले को वाई के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 104 माइनस में 104 आए, जे को जे के साथ 4 3 12 और के को के के साथ यहाँ पे 4 3 हो जाएगा 12 4 2 8 1 9 तो ए आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो माइनस में 104 और प्लस 4 आ जाएगा 9 10 10 10 हो जाएगा। और यहाँ पे और इसको ना जोड़ लेंगे घटा लेंगे तो कट गया तो क्या आ गया 0। तो इसका क्रॉस करके डॉट करते तो इसका मान क्या आता है 0। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 करा ना, इसका मान इसका डीवाई बाय डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो इसका डीवाई बाय डी एक्स फाइंड करना बहुत सिंपल है, y बराबर cos अंडर रूट साइन रूट एक्स दिया हुआ, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट फाइंड करना है, इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन और रूट साइन रूट एक्स रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएट क्या लिए साइन और ए फंक्शन कॉन्स्टेंट रखेंगे इन टू। अब रूट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 √sin√x इन टू, अब रूट का डिफरेंशिएट हो गया 1/2 √sin√x। अब साइन का डिफरेंशिएट क्या लेंगे cos√x इन टू, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 √x ये हो गया। अब इसको अच्छे से हम लोग लिख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू वन इंटू समथिंग क्या आ जाएगा कॉस रूट एक्स बटा में आ जाएगा ये दो दूनी 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस में छोटा वाला टर्म को पहले लिख दीजिए कॉस रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स और बटा में यहाँ क्या हो जाएगा 4 अंडर दोनों के ही रूट में रख सकते एक्स इंटू साइन रूट एक्स ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे, 6 क्या ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। किसमें क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे मान लेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल को ए मान लीजिए और त्रिज्या को क्या मान लेते आर। और ये क्वेश्चन में क्या करा वृत्त के क्षेत्र परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे यह डी बाई वाई डी आर और क्या ना वृत्त क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष उसको क्या लिख देंगे डी ए बाई डी आर ज्ञात कीजिए। व्हाट जब त्रिज्या कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर तक, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दे किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में, ये लिख लेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर और ए का हो जाएगा डी ए बाई डी आर बराबर में पाई कांस्टेंट है आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2r। अब डी ए बाई डी आर आर बराबर क्या आर बराबर जब बोला गया 5 सेंटीमीटर हो जाए तो एक पाई इंटू 2 5 आर का वैल्यू 5 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 10 π इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझे क्या करना, ए दिया हुआ करा सत्यापित कीजिए ए डैश की हॉल डैश बराबर ए। तो ए तो सिंपल है इसको प्रूफ करना, मैट्रिक्स ए गिवन है क्या 3√3 और 3√3 और 2 4 2 0
ए दिया हुआ, और इसको क्या ना साबित करना ए डैश के हॉल डैश इक्वल टू ए। तो हम लोग क्या ना यहाँ से चल देंगे ए डैश, इसका ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं रो किस में बदल जाएगा कॉलम में, थ्री रूट थ्री टू फोर टू जीरो ये हो गया। फिर से इसका ना ट्रांसपोज कर देंगे, फिर से इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या ना रो किस में बदल जाएगा कॉलम में थ्री फोर, फिर सेकेंड रो रूट थ्री और टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा दो जीरो, मतलब फर्स्ट कॉलम को फिर से फर्स्ट क्या बना लेंगे यहाँ पे ए रूट थ्री, सॉरी ए रूट थ्री, तो ए आपका क्या ना ए डैश के हॉल डैश, फिर से इसका ट्रांसपोज करते ही आता है तो ए डैश के हॉल डैश वापस क्या आ गया क्यूचन, तो इसको लिख सकते ए डैश इजकल ए डैश के हॉल डैश इजकल टू क्या है, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ये हो गया क्या प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे एट, एट में क्या करना बहुत ही सिंपल करा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या से हल कीजिए, क्या निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, ये समीकरण दिया हुआ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या फोर, और ए दिया हुआ लेस देन इक्वल टू फोर, फिर x ग्रेटर देन जीरो अब y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करा जेड बराबर थ्री एक्स प्लस फोर वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम मान हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इसका ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ के लिए हम लोग क्या लिख देंगे संगत समीकरण, संगत समीकरण मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर फोर, तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा टेबल, और एक्स बाई एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर क्या आएगा फोर, अब y बराबर जीरो तो x बराबर क्या आ जाएगा फोर, ए x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को क्या करना ग्राफ को ड्रा करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ना ग्राफ को ड्रा कर लीजिए, तो ए ग्राफ को ड्रा कर लेते ए हो गया x एक्सिस और ई एक्स डैश, ए आपका y और ए आ गया y डैश, और ए वन टू थ्री और फोर, ये भी वन टू थ्री और फोर, और ए क्या कराना यहाँ पर एक्स जीरो तो बाई फोर कहाँ पर होगा यहाँ पे लिख दीजिए जीरो और फोर, और एक्स फोर बाई जीरो एक्स फोर बाई जीरो कहाँ पर यहाँ पे फोर और जीरो, ये दोनों पॉइंट को क्या कर लेंगे मैच कर लेंगे और आगे तक कर दीजिए, तो एक ग्राफ ड्रा कर लिए, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे एक्स इजकल टू जीरो तो इसका ग्राफ किस पे बनेगा बाई एच पर बनेगा, और बाई बराबर जीरो तो इसका ग्राफ ड्रा करें किससे बन जाएगा एक्स एच पे, और ए ड्रा कह लिए, अब इसका हमें मान ज्ञात करना क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो ए क्या ना कलर करेंगे चार से क्या ना छोटा, तो चार से छोटा इधर वैल्यू होगा या इधर, तो चार से छोटा इधर, तो और ए सब का तो कलर करा जीरो से बड़ा था जीरो से बड़ा इधर होगा, और ए भी करा जीरो से बड़ा था जीरो से बड़ा क्या ऊपर होगा, इसका कलर क्या होगा इस तरीके से केवल ए वाला कलर होगा, ये हो गया ए कलर, और इस कलर पे क्या क्या पॉइंट आया एक ओरिजिन आया और यहाँ पर ए बी और रख दी। अब हम यह अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए लिख देंगे जेड बराबर क्या दिया हुआ एक्स थ्री एक्स प्लस में फोर बाई का फोर बाई ए दिया हुआ यहाँ पे मान ए समीकरण। अब यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु 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 क्या जीरो जीरो रख लीजिए बिंदु ओ जीरो जीरो पर जीरो जीरो पर अब हम लोग जेड बराबर ये रख लेंगे फोर थ्री सॉरी थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब बिंदु ए रख लीजिए क्या बिंदु बी ए रख लेंगे ए क्या है ना फोर जीरो है तो फोर जीरो रखेंगे फोर जीरो पर जेड रख कर देखते तो ए आ जाएगा थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू जीरो तो इसको सॉल्व करेंगे चार थिया बारह जीरो ए आ जाएगा बारह नहीं। अब एक बिंदु रख लेंगे क्या बी बिंदु रख लेंगे बी क्या ना जीरो और फोर है पर जेड का मान क्या थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू फोर तो क्या आ जाएगा चार चौक सोलह तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट क्या आ जाएगा मैक्सिमम मान सोलह आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे महत्तम मान मैक्सिमम मान अधिकतम मान तो अधिकतम मान यहाँ पे क्या आ जाएगा सोलह लिख दीजिए महत्तम मान ये हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, करा निम्नलिखित इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना ना बहुत ही सिंपल है, क्या इस 3x² / x^6 + 1 dx का इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लिख लेंगे 3x² और x^6 को लिख सकते हैं x³² + 1 dx ये लिख सकते हैं। अब लेट कर दीजिए x³ को क्या मान लीजिए t, और x³ का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3x² dx और t का dt। अब वापस क्वेश्चन चला यहाँ पे लिख लेते और ये वापस क्वेश्चन चलाएंगे 3x² dx का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं dt। अब बटा में x³ को मान चुके हैं t और power 2 + 1 ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t² + 1 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स t प्लस में c, और ये tan इनवर्स t को क्या मान चुके हैं x³ प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, करा अभी a का करण एड ज्वाइंट a ज्ञात कीजिए। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 4, इसका कहा जा रहा है एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या सूचित करते हैं सी से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 4। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जिसका कोफैक्टर निकालना उसके आमने सामने रो कॉलम क्या करते हैं झांकते हैं, तो क्या बचेगा 4। अब निकाल लेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम का भी अब क्या है 3, तो 3 का कोफैक्टर क्या है इसके आमने सामने रो कॉलम को झापेंगे तो क्या बचेगा 1, तो 1 लिख देंगे। और ये ना साइन रूल तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, सेकेंड ऑर्डर का साइन रूल क्या होता है प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो कोफैक्टर में क्या लगा लेंगे साइन रूल माइनस में। अब हम लोग कोफैक्टर निकालें क्या दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 1, तो 1 का कोफैक्टर क्या आमने सामने झापेंगे तो क्या बचेगा 3, तो इसका साइन रूल क्या होता है माइनस। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 4 का, 4 का कोफैक्टर क्या इसके आमने सामने झापेंगे क्या बचेगा 2 चाहे यहाँ पे क्या ना सम, तो सम रह जाएगा ये आ गया। अब लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब आव्यू ए का सहखंड, तो आव्यू ए का सहखंद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का कोफैक्टर क्या आया 4, 3 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -3 और 4 का कोफैक्टर क्या आ गया 2। ये तो कोफैक्टर, हमें क्या निकालना एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट कैसे निकालता कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब इसका परिवर्त कर दीजिए 4 - 1 - 3 - 2, तो एड ट्रांसपोज कर दे ही क्या कहला जाएगा एडजॉइंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 11, इसका कहा जा रहा मान ज्ञात। इसका मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल है, क्या ना इसका इंटीग्रेट करने के लिए 2 से 3 1/x (log x dx), तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लेट कह लेंगे log x को मान लीजिए t, और log x को मान, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x dx और t का dt। हम लोग सभी जानते हैं जब वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, तो x = क्या 2, अब इसमें पुट करेंगे तो log 2 = t, तो log 2 का वैल्यू हम लोग को रहने देंगे वैसे। अब x = क्या 3, अब ये आ जाएगा रख लेंगे log 3 = t, t का वैल्यू। अब यहाँ पे ना x = 2 रख के इसमें रख लिए t का वैल्यू फाइंड हो गया, और x का वैल्यू 3 इसमें पुट कर लिए t का वैल्यू फाइंड हो गया। वापस क्वेश्चन 2 रखे तो क्या आया लोअर लिमिट log 2, और जब अपर लिमिट 3 रखते हैं तो क्या आ जाता है log 3 आ जाता है, ये हो गया 1/x (dx) = dt / 1 / log x, log x को क्या मान चुके हैं t। अब 1/t का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या होता है log t, और कहां से कहां तक लोअर लिमिट log 2 से अपर लिमिट log 3 तक, तो पहले क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे log 3,
अब माइनस में लॉग लॉग टू ए पुट कह लिए, अब इसको जरा हल्का कह लेंगे लॉग एम, अब माइनस में लॉग एन कह लेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग लॉग थ्री बाई लॉग टू, और इसको हल करना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग लॉग थ्री अब टू, मेन वैल्यू बेस्ट मेन वैल्यू थ्री और बेस्ट वैल्यू क्या टू, ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 12, 12 भी बहुत आसान है कराना क्वेश्चन में, कि तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जब एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष का क्रमशः 2, 3, 4 पर अंतःखंड कट करता है, तो ये अंतःखंड लिख लेंगे एक्स वाई और जेड, जेड अक्षों पर अंतःखंड, अंतःखंड क्या कर रहा है अंतःखंड 2, 3 और 4, मतलब कह लेंगे a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, तो लिख दीजिए तल का समीकरण। तो तल का समीकरण क्या होता है जब अंतःखंड दिया हुआ था x by a plus y by b plus z by c equal to 1, तो x a का वैल्यू 2 प्लस बाई बी का वैल्यू 3 प्लस जेड सी का वैल्यू क्या 4 इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो हो जाएगा 6x प्लस में यहाँ पर 4y और यहाँ पे भाग देंगे क्या आ जाएगा 3z इक्वल टू 1, तो 6x प्लस में 4y प्लस में 3z इक्वल टू क्या 12, ये हो गया तल का समीकरण, ये आप जेड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या करना है, इसको करा डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसका डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना बड़ा सिंपल है, क्या दिया हुआ वाई बराबर सेक इनटू टैन रूट एक्स, इसका क्या करना इंटीग्रेट करना सॉरी डिफरेंशिएट करना, इसका डिफरेंशिएट के लिए लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई वाई डी एक्स बराबर, तो ए ए चल दीजिए इसके लिए sec के लिए क्या बन गया x, तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है सॉरी डिफरेंशिएशन sec x इनटू में tan x tan tan, तो sec x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा sec e क्या बन गया x, तो sec x इनटू tan x इनटू, अब सेक का डिफरेंस करने के बाद किसका टैन का, था टैन का डिफरेंस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे अच्छे से, पहले छोटे टर्म को लिख देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इनटू सेक सेक टैन रूट एक्स और इनटू में टैन टैन रूट एक्स और बटा में क्या आ जाएगा बटा में 2√x, ये हो गया आंसर। इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं 1/2√x 1/2√x और a sec square root x इनटू में sec tan root x इनटू में tan tan root x, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14, ए कराना इसका इंटीग्रेट सॉल्व कीजिए, तो इस क्या क्वेश्चन दिया हुआ tan y और dx ये दिया हुआ और प्लस में tan x इनटू में dy इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए tan बाई डी बाई रहने देंगे, ये वाला टर्म किधर ले आएंगे तो माइनस में और tan क्या हो जाएगा tan x ये आ जाएगा tan x डी बाई ये आ गया। अब x वाला टर्म को dx की तरफ कह लीजिए तो ये हो जाएगा tan x dx और y वाला टर्म को dy तरफ कह लेंगे ये बटा में आ जाएगा tan y dy। अब दोनों अलग अलग हो गया क्या ना x वाला टर्म डी तरफ y वाला टर्म dy तरफ,
तो दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब टैन ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, कॉट में डीएक्स। टैन ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, कॉट में डी बाई। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स, और बराबर में कॉट का इंटीग्रेशन ए माइनस रह जाएगा, और माइनस कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन बाई, और प्लस में लॉग में सी, ये आ गया। अब हम लोग सभी जानते हैं लॉग साइन एक्स, प्लस वाला टर्म इधर आएगा, माइनस वाला टर्म इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में लॉग मॉड साइन बाई बराबर में क्या रह गया, लॉग सी। तो लॉग एम प्लस लॉग एन चल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू में एन हो जाएगा, बराबर में बच गया क्या, लॉग सी। तो लॉग लॉग कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन बाई इक्वल टू सी, ए हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।